नमस्कार। अभी इस समय की राजनीतिक चर्चाओं में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल कब करेंगे। पिछले कई महीने से इसकी कोई ना कोई एक नई तारीख दी जा रही है। पिछले महीने 10 जून की तारीख पक्की बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि उस दिन निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी। उसके पहले जब सरकार के 4 साल पूरे हो रहे थे, नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे थे, तब भी इस तरह की चर्चा चली थी। पूरे जून अटकलें लगती रहीं और जुलाई का महीना शुरू होने के बाद से 2 तारीखें निकल चुकी हैं जो तमाम राजनीतिक हलकों में चर्चा थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सहयोगी पार्टियों के नेता मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सबके बीच जो चर्चा थी, उन सबके बीच जो अटकलें थी, वो ये था कि 9 जुलाई को कैबिनेट में फेरबदल करेंगे प्रधानमंत्री। 9 जुलाई की तारीख निकल गई तो कहा गया कि 12 जुलाई को फेरबदल करेंगे। फिर 12 जुलाई की तारीख निकल गई, अब नई तारीखें आ रही हैं। अब कोई एक निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 16 से 19 तारीख के बीच में फेरबदल होगी। तो ये एक बड़ा सस्पेंस है, प्रधानमंत्री कब अपनी सरकार में फेरबदल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने संगठन में कब फेरबदल करेंगे, ये दोनों सस्पेंस बने हुए हैं। और ये सस्पेंस पिछले कई महीनों से है। संगठन का सस्पेंस तो उससे भी पहले से है, जब जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुआ और उनको 1 साल का विस्तार दिया गया, तभी से ये अटकल लगाई जा रही थी कि क्या प्रदेश के अध्यक्षों को भी विस्तार मिलेगा और क्या नड्डा की टीम के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको भी उनके साथ साथ स्वाभाविक रूप से, मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरल रूट से उनको भी विस्तार मिल गया 1 साल का। हालांकि इस बीच 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पहले राजस्थान और बिहार में बदला गया और उसके बाद फिर उसके बाद दक्षिण के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और फिर झारखंड और पंजाब में, ये 4 राज्य एक साथ हुए और उसके पहले 2 राज्यों में हुआ था। 6 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और एक राष्ट्रीय महासचिव जो थी जेपी नड्डा की टीम में, टी पुरंदेश्वरी, उनको आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री थे जी किशन रेड्डी, उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसकी वजह से जो सरकार से एक व्यक्ति, एक मंत्री को संगठन में भेजा गया है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, और संगठन केंद्रीय संगठन की एक महासचिव को, महामंत्री को एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, तो इससे भी ये माना गया कि अब जल्दी ही संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल होने वाली है। तो आज इस सस्पेंस पर चर्चा करेंगे, इस सस्पेंस को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कब तक ऐसा बदलाव हो सकता है और बदलाव होगा तो उसमें किन लोगों को मौका मिल सकता है। सबसे पहले बदलाव की जो नई तारीखें हैं, जो नई अटकलें हैं, वो इस चीज पर बेस्ड हैं कि प्रधानमंत्री अभी फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और फ्रांस के बाद वहां से 13 और 14 फ्रांस की यात्रा के बाद वो 15 तारीख को अबू धाबी जाएंगे और फिर वहां से लौटेंगे। संभव है कि 16 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसा पिछली 2 यात्राओं से वो लौट रहे हैं 3 बजे 4 बजे सुबह में, उस समय वो वापसी करेंगे। तो इसी वजह से जो तारीख दी जा रही है वो 16 के बाद की तारीख दी जा रही है। 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। अब ये ध्यान नहीं आ रहा है कि इसके पहले एनडीए की बैठक कब हुई थी। पिछले 9 साल से एक तरह से एनडीए डिफंक्ट है, जब से बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपना पूर्ण बहुमत हासिल करके सरकार में आई है 2014 में, उसके बाद से एनडीए एक तरह से सिर्फ नाम के लिए है। उसकी कोई बैठक नहीं होती है या कहीं कोई बातचीत होती भी है तो वो औपचारिकता के लिए होती है। ये पहली दफा हो रहा है कि जब इतने बड़े पैमाने पर एनडीए की बैठक होने जा रही है। एनडीए में शामिल सभी दलों को बुलाया गया और वो बैठक 18 तारीख को है। कुछ नई पार्टियों को भी बुलाया गया है जो पहले एनडीए में थी और बाद में किसी न किसी कारण से एनडीए से बाहर हो गई थी। अकाली दल है जैसे, वो बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी है, वो 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में बाहर हो गई थी एनडीए से और सरकार भी छोड़ दिया था। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी, वो 2 धड़ों में बट गया था और उसका एक हिस्सा एनडीए से बाहर था। हालांकि चिराग पासवान लगातार पिछले कुछ समय से बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने एनडीए से अलग होकर के लड़ा था। तो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, एनडीए से अलग हो गई थी। तो इन तमाम पार्टियों को बुलाया जा रहा है 18 जुलाई की बैठक में। बिहार की एक नई पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है, जीतन राम मांझी की पार्टी, वो भी एनडीए में शामिल हुई है, उसको भी न्योता दिया गया है। और दूसरी कई पार्टियां हैं जैसे विकासशील इंसान पार्टी है बिहार की मुकेश सहनी की, उसको भी बुलाया जाएगा। जेडीएस, टीडीपी, अकाली दल, जो शिवसेना का जो ओरिजिनल शिवसेना जिसको कहा जा रहा है, जो एकनाथ शिंदे गुट है, वो उन तमाम
पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है। तो 18 तारीख इसलिए जो कैबिनेट में रिशफल की जो तारीख बताई जा रही है वो 16 से 18 के बीच की है, क्योंकि 18 तारीख को एनडीए की बैठक होनी है, उसके बाद एक दिन बचता है 19 तारीख का, और 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होगा जो 11 अगस्त तक चलेगा। अगर 20 जुलाई के पहले यानी 19 तक कैबिनेट में रिशफल नहीं होता है तो फिर वो 11 अगस्त तक टलेगा, और 11 अगस्त के बाद भी तुरंत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर पूरी सरकार और प्रधानमंत्री खुद लाल किले से अपने भाषण की तैयारी में जुट जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, और दूसरे कार्यकाल में आखिरी बार प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करेंगे देश को, ये उनका 10वां संबोधन होगा। तो ये इस तरह से जो है उनका ये शेड्यूल है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि जब 16 तारीख को लौट आएंगे सुबह में प्रधानमंत्री, उस दिन से लेकर के और 19 के बीच में किसी दिन कैबिनेट में रिशफल हो सकता है। अब उसमें जो अटकल का पॉइंट है, जो कयास का बिंदु है, वो ये है कि 18 तारीख से पहले या 18 तारीख के बाद 19 तारीख को। कई नेता हैं जो ये मान रहे हैं कि अभी जिस तरह से संगठन में जेपी नड्डा ने फेरबदल की, 6, 7 और 8 जुलाई को बैठक होनी थी, जोनल बैठक होनी थी गुवाहाटी, दिल्ली और हैदराबाद में संगठन की, और उसी बीच 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, जो पुराने अध्यक्ष थे हट गए और जो नए अध्यक्ष थे वो बैठकों में शामिल हुए। झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुवाहाटी की बैठक में हिस्सा लेने गए, और जो साउथ जोन की बैठक हुई उसमें डी पुरंदेश्वरी और जी किशन रेड्डी ने हिस्सा लिया बतौर अध्यक्ष। तो उस बीच मीटिंग के बीच में बदलाव हुआ था। इसकी मिसाल देकर के कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि 18 तारीख के पहले ही बदलाव हो जाएगा और तब नए जो मंत्री बने वो सब 18 जुलाई की बैठक में शामिल होंगे। एक दूसरा समूह है नेताओं का जो ये कह रहा है कि 18 तारीख की बैठक में, 18 जुलाई की बैठक में सारे नेताओं से विचार विमर्श होगा, और उस विचार विमर्श के बाद एक दिन बाद जो समय है 19 तारीख का, उस दिन कैबिनेट में रिशफल होगा और फिर नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री संसद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये अब 18 से पहले 2 दिन है 16-17 का, और 18 के बाद 1 दिन है 19 का। अगर इस बीच नहीं होता है तो फिर ये चर्चाएं पूरे 1 महीने के लिए टल जाएंगी, 15 अगस्त तक के लिए, और उसके बाद अगला चुनाव घोषित होने में 7-8 महीने का समय रह जाएगा। तो कई लोग ये मान रहे हैं कि उसके बाद अगर नहीं होता है अभी 19 जुलाई तक तो इसका मतलब नहीं होगा। अब दूसरा सस्पेंस है, ये तारीखों का जो कयास है उसके बाद अब दूसरा सस्पेंस ये है कि क्या केंद्रीय मंत्रियों को, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा जाएगा, क्या उनकी सरकार से उनको छोड़ निकाल करके संगठन में भेजा जाएगा। अभी कई मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया, वो मतलब क्लासिक सेंस में संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, वो चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो लोग, ये जो केंद्रीय मंत्री अभी चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। उसमें भूपेंद्र यादव भी हैं जिनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, मनसुख भाई मांडविया है, ये जो मंत्री बनाए गए ये लोग मंत्री पद पर बने रह सकते हैं और साथ के साथ चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा है, बीजेपी के जो जानकार नेता बता रहे हैं उसके मुताबिक कई केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनको प्रदेश में भेजा जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, और कुछ केंद्रीय मंत्रियों को जेपी नड्डा की टीम में संगठन में भी भेजा जा सकता है ताकि वो अगले साल के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में शामिल हो। तो अगर ऐसे 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 कौन कौन से मंत्री हैं जिनको भेजा जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, अभी जो चर्चा चल रही है, जैसे उसमें एक चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर के थी, मध्य प्रदेश में अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वहां प्रदेश अध्यक्ष अभी बदला जाएगा इसकी गुंजाइश अब थोड़ी कम हो गई है। अभी अमित शाह एक दिन पहले गए थे वहां भोपाल के दौरे पर, और उन्होंने कहा कि वो हर दूसरे हफ्ते भोपाल आएंगे, और जो नए प्रभारी बने हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने 9 लोगों की एक टीम भी बना दी है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी हैं, और उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, इस तरह के 9 लोगों को उस कैलाश विजयवर्गीय भी उसमें, ये इन लोगों की एक कमेटी बन गई है जो कमेटी चुनाव तक सारे फैसले करेगी। तो अब इस बात की गुंजाइश कम है कि वहां नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, अन्यथा इसके पहले ये चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल में से किसी को वहां प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा जा सकता है, अब उसकी गुंजाइश कम हो गई है। अगर इनमें से कोई जाता तो फिर किसी नए को मौका मिलता है मंत्रिमंडल में। अभी जिन लोगों की चर्चा है उसमें प्रमुख नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, जो जम्मू कश्मीर के हैं और अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि उनको जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके अलावा पुराने नेता जुगल किशोर का भी नाम है। इसी तरह से हरियाणा में कृष्णपाल गुर्जर का नाम है जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री रामविलास शर्मा का नाम है।
इनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। अगर कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकल करके और प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर हरियाणा से किसी नए व्यक्ति को मौका मिल सकता है। कर्नाटक में बदलाव एकदम निश्चित दिख रहा है। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटेल, उनका कार्यकाल पिछले साल अगस्त में खत्म हो गया था और उसके बाद उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया गया, वो भी खत्म होने वाला है। उनके कार्यकाल का जो विस्तार था एक साल का, वो भी खत्म होने वाला है, तो उनकी जगह नया अध्यक्ष बनेगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो मंत्री हैं और बीएस येदुरप्पा के बहुत करीबी रही हैं, शोभा करंदलाजे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके अलावा जो दूसरा नाम है वो अश्वथ नारायण का है। अगर शोभा करंदलाजे बनती हैं, वो वहां प्रदेश अध्यक्ष बन के जाती हैं, तो उनकी जगह कोई ना कोई केंद्र में नया मंत्री बनेगा कर्नाटक से। गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है। सीआर पाटिल ने बहुत ही रिमार्केबल काम किया था पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में। उन्होंने इतिहास बनाया था। यह पहला मौका था जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिली, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल। तो कहा जा रहा है कि उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या तो वो केंद्रीय संगठन में आएंगे, महासचिव बनेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में शामिल होंगे। और उनकी जगह जो अध्यक्ष पद के लिए नाम है, उसमें मनसुख भाई मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला का नाम है। लेकिन मनसुख मंडाविया को अभी सह प्रभारी बनाया गया है राज्यों के चुनाव के लिए, तो ये संभावना कम है कि वो गुजरात जाएंगे। अगर पुरुषोत्तम रूपाला जाते हैं तो उनकी जगह वहां से सीआर पाटिल केंद्र सरकार में मंत्री बन करके आ सकते हैं। केरल में भी बदलाव की गुंजाइश है, भी संभावना है। बताया जा रहा है कि वी मुरलीधरन जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको केरल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तेलंगाना में अभी जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बंदी संजय कुमार को हटा करके उनकी जगह जी किशन रेड्डी आए हैं। उसी समय से ये चर्चा है कि बंदी संजय कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अगर नलिन कुमार कटेल हटते हैं, जिसकी बहुत संभावना है कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको भी केंद्र में मंत्री बनने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए संजय जायसवाल, उनकी जगह सम्राट चौधरी को बनाया गया है और संजय जायसवाल भी केंद्र में मंत्री बनने की संभावना अपने लिए खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, अगर वो एमपी हैं तो वो केंद्र में मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे हैं, और अगर अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भेजा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष बना करके, अगर भेजा जाता है तो उनकी जगह नए चेहरे आएंगे। ये नाम है कुछ जो जिनके बारे में अभी हमने बताया कि ये लोगों का ये इनकी जगह नए मंत्री आ सकते हैं। जो केंद्रीय संगठन में जिन लोगों को भेजे जाने की चर्चा है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम है। कहा जा रहा है कि वो जा सकते हैं केंद्रीय संगठन में, फिर उनकी जगह उड़ीसा से किसी नए व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। तो ये चर्चाएं हैं। और जहां चुनाव अभी होने हैं, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना से, वहां नए मंत्री, वहां से कोई नया चेहरा भी ले आने की चर्चा चल रही है, केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा है। तो ये अगर ये बिहार से भी चर्चा है, बिहार से भी एक दो नए चेहरे आ सकते हैं। सुशील कुमार मोदी का नाम है बिहार से मंत्री बनने वालों में। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष से हटे हैं, उनके नाम की चर्चा है। अगर कोई ड्रॉप होता है तो उसकी जगह जातीय सामाजिक समीकरण बनाने के लिए कोई नया चेहरा आ सकता है। तो ये अभी तक का ये सस्पेंस था, जिसमें से ये लबोलुआब निकल रहा है कि अगर जो नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में फेरबदल करते हैं तो उसके लिए ये विंडो है, बहुत स्मॉल विंडो है, 16 जुलाई से 19 जुलाई का, अन्यथा उसके बाद एक महीने से ज्यादा के लिए टल जाएगा। और अगर होता है तो ये वो नेता हैं जिनको प्रदेश संगठन में भेजा जा सकता है और इनकी जगह प्रदेश से नए नाम, नए चेहरे ले आकर के मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और नाम होंगे जिनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए। जैसे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हटाए गए सतीश पुनिया, वो विधायक हैं, वो एमपी नहीं है, इसलिए उनकी संभावना नहीं है। लेकिन नए चेहरे वहां से ले आए जाने की संभावना जरूर है। राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम था और दुष्यंत सिंह का भी नाम चल रहा था। अब पता नहीं इनमें से कोई आएगा या नया चेहरा आएगा। क्योंकि अंत में ये मैं अपनी बात भी ये कहा के समाप्त करूंगा कि बीजेपी में भी सारे नेता जो जितने कयास लगा रहे हैं, जितनी अटकलें लगा रहे हैं कि कब होगा, कौन बनेगा, कौन हटेगा, वो भी अंत में ये कहा कि अपनी बात समाप्त करते हैं कि सिर्फ दो ही लोगों को पता है कि क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही जानते हैं कि क्या होगा और कब होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।